नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मूवी टेक सॉल्यूशंस में। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे 3,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं हमारे चैनल पे, और आप लोगों की वजह से ही ये पूरा हो पाया है। और फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं टेक्नो KC2। जैसा कि आप मॉडल देख सकते हैं, टेक्नो KC2 32+3 GB लिखा हुआ है। हम इसका FRP बाईपास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। और दोस्तों इस मेथड में आप सबको एक सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, लॉक सिम कार्ड की, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में टॉकबैक मेथड वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको सब्सक्राइब बटन रेड दिख रहा है तो उसे प्लीज़ प्रेस कर दो और उसे वाइट कर दो। और बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर दबाना, जब भी मैं कोई नया ऐसा वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। और फ्रेंड्स कमेंट करके बता देना मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, ये प्रोसेस आपको आगे भी बहुत सारे फ़ोन्स में काम देगा टेक्नो के। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, एक लॉक सिम कार्ड लेना है और उसे फ़ोन में इंसर्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको POK पिन जो भी आपके फ़ोन में लगा, सॉरी सिम कार्ड में लगा होगा, वो मांगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, पिन की मदद से जैसे ही आप सिम कार्ड को इजेक्ट करेंगे और आपको पावर बटन तुरंत प्रेस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, सिम कार्ड को इजेक्ट करते ही पावर बटन को प्रेस कर देना, फिर से आप पावर बटन दबाएंगे आपको एक स्लाइड मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये स्लाइड आपको राइट या फिर लेफ्ट किसी भी तरह तरफ से स्लाइड कर देना है, जो नॉट साइन इन लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम इसे राइट की तरफ स्लाइड करके, हम जो आइकॉन बने हुए देखो दोस्तों, आपको वहाँ पे दो आइकॉन मिल जा रहा है, एक सेटिंग का आइकॉन मिल रहा है और एक वॉच का आइकॉन मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों हमें वॉच के आइकॉन पे नहीं क्लिक करना है, हम यहाँ पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपको उसको अंडू कर देंगे और हम एक बार फिर से उसे लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेंगे और सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर जो दैट इज़ का आइकॉन है हमें उस पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों हमें जाना है ब्राउज़र ऐप्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राउज़र ऐप्स में जाने के बाद हमें दोस्तों यूट्यूब पे नहीं जाना है इस बार, ब्राउज़र ऐप में जाना है। उसमें जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। ब्राउज़र ऐप्स में जाएंगे दोस्तों, ब्राउज़र ऐप्स में जाने के बाद हमें जाना है एसेट्स एंड वॉइस इनपुट में। उसके बाद दोस्तों हमें क्लिक करना है ऊपर सेटिंग के आइकॉन पे। उसके बाद दोस्तों आप जिसे देखिए वॉइस मैच लिखा हुआ है, वॉइस मैच के ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, वॉइस मैच पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए ऊपर आपको सर्च का आइकॉन दिख रहा होगा, सॉरी ऊपर ऊपर, नीचे आपको किसी भी सेटिंग पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सर्च का आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे जर्नल, जी लिखेंगे तो भी चलेगा दोस्तों, जी लिख दीजिए आप, पूरा जर्नल लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों हम नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे हमें नीचे मिल जाएगा मैनेज पेंडिंग सर्च, फिर उसके लास्ट में आपको ब्लू कलर की जो लाइट लाइन मिलेगी सेम चीज़ लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों हमारा जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें नीचे जो सर्च का आइकॉन मिला है यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रोम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा और दोस्तों हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्रोम ब्राउज़र को सेटअप कर लेना है फटाफट। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमें कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ेंगी, वो फाइल हम डाउनलोड करेंगे। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप यहाँ वीडियो में भी देख के आप टाइप कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे दोस्तों हमें लिखना है FRPfile.com। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे FRPfile.com, FRPfile। APK, सॉरी दोस्तों .com नहीं, हमें APK लिखना है। और दोस्तों हम अब नीचे जाएंगे, हमें FRPfile.com मिल जाएगा और यहाँ से हमें दोस्तों एंड्रॉयड 8 GAM मतलब गूगल अकाउंट मैनेजर APK डाउनलोड कर लेना है और FRP बाईपास उसके जस्ट नीचे है, FRP बाईपास APK हमें वो भी डाउनलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों APK डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हम डाउनलोड्स में जाएंगे और सबसे पहले दोस्तों हमें गूगल अकाउंट मैनेजर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमारा जो गूगल अकाउंट मैनेजर एंड्रॉयड 8 जो GAM लिखा हुआ है वो डाउनलोड हो रहा है तो फर्स्ट हमें वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम वेट करेंगे डाउनलोड होने का। थोड़ा सा टाइम लेगा फ्रेंड्स क्योंकि नेट स्लो है
और FRP Bypass APK जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं वो डाउनलोड हो चुका है क्योंकि वो कम MB का है। देखिए दोस्तों हमारा जो गूगल अकाउंट मैनेजर है वो डाउनलोड हो चुका है और अब हम दोस्तों फर्स्ट इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ सेटिंग्स में जाके अलाउ कर देंगे अननोन सोर्स को इंस्टॉल करने के लिए और इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों हम इसे डन कर देंगे। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे ओपन का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमें डन करना है। डन करने के बाद दोस्तों हम FRP Bypass APK को इंस्टॉल करेंगे और दोस्तों इस बार हमें FRP Bypass APK को ओपन करना है। आप स्कैनिंग वायरस को कैंसिल ना करें, होने दीजिए, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें कंप्लीट पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन पे क्लिक करके ओके कर देना है। बाकी दोस्तों आप सब तो जानते ही होंगे, बहुत सारे वीडियोस में मैंने डाला हुआ है FRP हम कैसे वापस करते हैं। इसके बाद आपको जस्ट किसी भी अपने एक ईमेल आईडी से, ज़रूरी नहीं है कोई भी ईमेल आईडी, और नया ईमेल आईडी भी इस पर डाल सकते हैं, किसी भी एक ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप फ़ोन को पूरा सेटअप कंप्लीट कर पाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम फ़ोन के अंदर से वो ईमेल आईडी निकाल के दूसरा कोई न्यू ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और हमारा जो फ़ोन है वो साइन इन हो गया। दोस्तों साइन इन होने के बाद जो ऑप्शन जो APK हमने ओपन किया था वो बंद हो जाएगा और फिर से हमारा फ़ोन जो ब्राउज़र पर चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। और एक बात याद रखें दोस्तों, आपको एक लॉक सिम कार्ड की स्टार्टिंग ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लॉक सिम कार्ड नहीं है तो आप किसी भी एक नोकिया के या फिर किसी भी सैमसंग के कीपैड फ़ोन में डाल के फोन सिम कार्ड के ऊपर PUK लॉक अगर आपके सिम कार्ड में है तो भी चलेगा, या फिर अगर नहीं है तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हो सिम कार्ड के ऊपर। दोस्तों पासवर्ड सेट करने के बाद ही आप ये जो मेथड है आपका वर्क करेगा। एक लॉक सिम कार्ड ले लीजिए, ज़रूरी दोस्तों सिम कार्ड चालू ही होना चाहिए। आप कोई भी न्यू सिम कार्ड भी पैक में से निकाल के उस पर पासवर्ड लगा के यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फ़ोन है वो रीबूट हो चुका है ईमेल आईडी ऐड होने के बाद। अब हम दोस्तों सेटअप को कंप्लीट करेंगे, देखते हैं हमें क्या ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे दोस्तों हम डोंट कॉपी करेंगे और जस्ट अ सेकेंड, और यहाँ पे देखिए दोस्तों अकाउंट एडेड दिखा रहा है। बाकी दोस्तों हम जैसे सारे फ़ोन्स का सेटअप करते हैं वैसे ही हम इस फ़ोन को भी सेटअप कर लेंगे। हमें यहाँ पे कोई फेस आईडी और फिंगरप्रिंट पासवर्ड पैटर्न सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स और बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, जैसे MIUI 11 के लेटेस्ट FRP बाईपास बिना APK, बिना PC, बिना किसी टूल के। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत शॉर्टकट मेथड है, आप वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। मैं आपको ऊपर आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। हार्डवेयर के भी हैं एक दो वीडियोज़ और सॉफ्टवेयर के भी वीडियोज़ हैं। सर दोस्तों बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप एक बार जाकर उन सब वीडियोज़ को भी आप चेक करें। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा देना दोस्तों। जब भी मैं कोई नया ऐसा वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले मिल जाएगा। और कमेंट करके बताएं मुझे दोस्तों, करके बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करना दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा हो या फिर दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, अगर मैं अवेलेबल रहूँगा उस समय तो आपको जरूर जरूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों हम यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, इंडिया कर देंगे, यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विसेज को एग्री कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे फटाफट। और दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 9 वेलकम टू iOS आ चुका है और जो हमारा फ़ोन है वो पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, फ़ोन अनलॉक हो चुका है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम वीडियो में आपको लगा हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करें और हम आपको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। ठीक है फ्रेंड्स, चलता हूँ, अलविदा दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले ही ऐसे कोई नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ।